हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉ माय क्रिएशन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और वो आप मुझे देख के बता ही सकते होंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तो मैं फिर आ गई हूँ अपनी संडे वीडियो लेके। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप एक्साइटेड हैं या नहीं है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का वीडियो का टॉपिक है वॉल डेकोर। मैंने सोचा इतना सस्ता टिकाऊ वॉल डेकोर बनाऊँगी सब लोग अपने घर पर बना सकें। तो मैं सोचा ऐसा क्या बनाऊँ कि सब बना सकते हैं भाई और सबके पास वो चीज़ें हों। तो मैंने जुगाड़ निकाल लिया है और आप भी उस जुगाड़ को देखिए चल के। तो मेरे साथ चलिए बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और आप मेरी वीडियो का वेट करते भी हैं या नहीं करते। चलिए बिना किसी देरी का मेरी बकवास को बंद करते चलते। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सस्ते से DIY को बनाने के लिए। हमें चाहिए एक्रेलिक कलर, शीट्स और ब्रश। ये शीट का साइज़ 5x5 inches है, पर आप चाहें तो उसको छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं। फिर मैंने एक रफ पेपर पे पीछे इसको स्टिक कर लिया ताकि टेबल गंदी ना हो। और हमें सिर्फ ब्लैक कलर चाहिए। और ब्लैक कलर उठाइए, ब्रश भी लीजिए और रैंडम कुछ भी बना दीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा हो आपको बनाना है बस बना दीजिए। इसी तरह को यही पैटर्न को मैंने यूज़ कर करके ट्रिक को सारे पैटर्न्स में इसी तरह से मैंने कलर कर लिया। जो जो मेरे मन में डिज़ाइंस आ रही थी मैं बनाती जा रही थी। मैं सोची कुछ तो अच्छा बनेगा ही, एक ख़राब होगी, दो ख़राब होगी, तीसरी थोड़ी ना ख़राब हो जाएगी। यही सोच के मैंने खूब सारी ड्राइंग बनाई और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको भी मज़ा आएगा, आप भी इसको एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भले आप मत लगाइएगा पर ट्राई ज़रूर करिएगा। और यह रहता है ना कि आप बस कुछ भी बना रहे हैं, तो मैं सोचा यार थोड़ा सा अलग करते। फिर थर्ड DIY में मैंने क्या किया, स्केल का यूज़ कर लिया। स्केल पे इस तरह से मैंने ब्लैक कलर लगाया है और बस उसको रख दिया है। और ये इतना अच्छा स्टिक वाला पैटर्न दे रहा था, मतलब मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैंने कहा एक और बनाते हैं क्योंकि स्केल वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैंने फटाफट से खूब सारे ब्लैक कलर का एक एक ब्रश का कोड मारा, उसके बाद में स्केल से इसमें लाइन्स बना दी बीच बीच में और वो बहुत ही अच्छा निकल के आया है। यही पैटर्न यूज़ करके मैंने सारी चीज़ें बनाई, अपने सारे जितने भी मैंने बनाए हैं 3-4 बना लिए हैं। और आप जितना चाहें उतने बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है। और सारे बनने के बाद मैंने थोड़ी दिनों के लिए सूखने रख दिया कि अच्छे से ड्राई हो जाएं, कलर इधर उधर लगे नहीं। जब भी बिल्कुल ड्राई हो गए फिर मैंने ब्लैक चार्ट पेपर से फ्रेम्स कट कर लिए हैं। जो बड़ी वाली स्केल आती है हमारी, 3 inch का ये बॉर्डर मैंने रखा हुआ है चारों तरफ से और फेविकॉल की हेल्प से इसको स्टिक कर लेंगे। पहले मैंने सोचा फ्रेम्स बनाऊंगी कार्डबोर्ड से, फिर वो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है और वो उतने अच्छे भी शायद ना लगे। और सबसे इजीली हर जगह आपको मिल भी जाएगा ब्लैक चार्ट पेपर, ब्लैक कलर और वाइट चार्ट पेपर। और अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, थोड़ा सा वो 20 रुपये का मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये देखिए कितने प्यारे फ्रेम्स बन के रेडी है। मैंने सब में यही पैटर्न यूज़ करके बना लिया। और ये देखिए के रेडी है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। और मैंने वॉल डेकोर इसलिए भी बनाया क्योंकि मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी अभी और मुझे अच्छा बैकग्राउंड भी चाहिए था, मुझे पैसे भी नहीं लगाने थे, तो सिर्फ दिमाग लगाना था जो मैंने लगा लिया। और आप भी लगाइए, इसको रिक्रिएट कीजिए, अपने घर को सजाइए और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो खूब सारा शेयर करिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले संडे।